मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आने, लेकिन ईवीएम मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने वोटिंग के दौरान धांधली के आरोप लगाते हुए योगी सरकार को घेरा है। सोमवार यानी 5 दिसंबर को यूपी की 3 सीटों पर वोटिंग हुई। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में सबसे ज्यादा घमासान मैनपुरी सीट को लेकर मचा हुआ है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने में कामयाब रही या फिर इस बार जनता ने बीजेपी को जीत की चाबी सौंपी है। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने से पहले समाजवादी पार्टी ने ईवीएम के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिंदुस्तान के सामने, अपने देश के सामने, कि डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क है आज जिस तरह चुनाव कराए जा रहे हैं। वही मैनपुरी के सीडीओ ने ईवीएम के साथ छेड़खानी के आरोपों को खारिज करते हुए सफाई दी कि इस ईवीएम का वोटिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये रिजर्व में थी जिसे जमा कराने के लिए ले जाया जा रहा था। ये रिजर्व ईवीएम है, ये सीधे वेयर हाउस से जाती है। जो पोल्ड ईवीएम है वो अपने पास स्ट्रॉन्ग रूम में जाती है, स्थापित प्रक्रिया है। मैनपुरी में सपा ने मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को चुनावी दंगल में उतारा है, तो वहीं नेताजी को अपने राजनीतिक गुरु मानने वाले रघुराज सिंह शाकिया बीजेपी की टिकट पर चुनावी दंगल में हैं। और मैनपुरी उपचुनाव में धांधली के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि ये काम समाजवादी पार्टी करती थी जब वो सत्ता में थी। यादव जी से मैं आप टीवी 9 भारतवर्ष के माध्यम से एक सवाल कर रहा हूं कि वह पहले बताएं कि कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव जब वह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो वह निर्विरोध कैसे निर्वाचित हो गई थी उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी? अगर उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया था तभी वह निर्विरोध निर्वाचित हुई, क्योंकि जिन लोगों ने नाम वापस लिया धमकी के बल पर, उन्होंने नाम वापस लिया डर करके, जो नहीं वापस लिए उनके पर्चे खारिज कराए गए। भाजपा ने तो कहीं ऐसा नहीं है कि चुनाव ना हो, चुनाव हो, वोट डालें लोग, उसके आधार पर जीते। सत्ता का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब किया है, भाजपा सत्ता में रहकर कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती। ये आज जिस तरीके से सपा के विधायक ने फेसबुक लाइव किया, उसके बाद कार्रवाई की गई, आपको नहीं लगता कि आप एमएलए हैं पढ़ लिख के यहाँ पे आए, तो इस तरीके से क्या ये आचरण, क्या ये सही है? विधानसभा अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है, जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने कार्रवाई की है। दंगा करने वालों के बल पर चुनाव लड़ते हैं उनको आने वाले समय में, अभी तो झांकी है, अभी उनको तो समाजवादी पार्टी बनना बाकी है।